ओ भाई बहन का क्या चल रहा है? स्लाइम। ये अभी अभी आया है पार्सल, स्लाइम ऑर्डर किया था। हाँ, देखो ये देखो, सुबह से इसी के साथ खेल रहा है। सुबह सुबह ये पार्सल आया। हाँ, आधा हो गया। अभी सुबह से इसी के साथ खेल रहा है, स्लाइम के साथ। इसको सीखना है। ये देखो चिपका है वो। अभी हाँ, देखो दादू। हाँ हाँ, ये निकलता ही नहीं। देखो ये जादू है। ये जादू है, बहुत अच्छा। और माही बना रही है उसके लिए और अद्विक के लिए ये टॉप रेमन वाली नूडल्स। वैसे मैगी बोलते हैं और चाइना के लोग नूडल्स बोलते हैं मैगी को। हाँ हाँ, चाइना के लोग। और हम मैगी को मैगी बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर इसे अभी नूडल्स मत बोला करो माही, मैगी बोला करो। चाइना के लोगों जैसा हमें नहीं बनना। चाइना कोरोना से लाता है। मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कैंचन। सो गाइज, अब मेरी पूजा खत्म हुई है और मैं आई हूँ किचन में, जैसे कि डेली होता है। मैं कामों में लग जाऊँ उससे पहले मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ, आपके हालचाल पूछ लेती हूँ और अपने भी हालचाल बता देती हूँ। मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो जरूर कमेंट करके बताना मुझे। गाइज, आज लंच में बनने वाली है करेले की सब्जी, और करेले की सब्जी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उसकी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इस तरह से अगर आप बनाओगे ना करेले की सब्जी तो कभी भी कड़वी नहीं लगेगी आपको। बस मैंने ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में और इधर मैंने क्या किया है आपको बताती हूँ। करेले को काट के उसमें से बीज निकाल लिए है और उसे नमक लगा के छोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ पर लंबे लंबे प्याज काट लिए है, टोमेटो काट लिए है और हरी मिर्च काट लिए है। और उसके बाद यहाँ पर कढ़ाई का तेल गर्म हो चुका था तो उसमें मैं ऐड करूँगी राई और जीरा। राई चटकने के बाद जीरा ऐड करने वाली हूँ और उसके बाद मैं ऐड करने वाली हूँ हरी मिर्च उसमें।
बस हरी मिर्च हो जाएगी तो उसके बाद मैं उसमें ऐड कर दूंगी प्याज। और प्याज को ज्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक वेट नहीं करना है, प्याज थोड़ा सा ही चला लेना है आपको, और उसके बाद उसमें टोमेटो ऐड कर देने हैं। और आपके पास टोमेटो है तो टोमेटो ऐड कर सकते हो, अदरवाइज आप नींबू ऐड कर सकते हो इसमें, और नहीं तो इमली भी ऐड कर सकते हो। ये तीनों चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, कोई भी चीज़ उसमें से जो भी है वो। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर कुकर भी लगा दे रही हूँ दाल चावल का, और यहाँ पर मेरी सब्जी भी बन रही है। तो यहाँ पर बस प्याज को चला लिया है, उसके बाद उसमें ऐड करूँगी टोमेटो। उससे पहले मैं जो करेले मैंने नमक लगा के रखे थे ना, उसको वॉश कर ले रही हूँ ताकि उसका नमक और कड़वा पानी निकल जाए। तो यहाँ पर मैंने करेले वॉश कर लिए हैं, और यहाँ पर मैं उसमें टोमेटो ऐड कर दूँगी प्याज में, और वो करेले भी प्याज में ऐड कर देने हैं। ऐसे ही मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है पहले, बस करेले ऐड कर देने हैं आपको, और इसे अच्छे से चला लेना ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और मिक्स हो जाने के बाद ना आपको इसके ऊपर ढक्कन रख के इसे पका लेना है। बस जब तक करेले नहीं पकते हैं तब तक आपको इसे पका लेना है ढक्कन रख के। बस गैस की फ्लेम को लो रखना है और ढक्कन रख के पका लेना है, बीच में एक दो बार चेक कर लेना। और बस जब आपका ये करेला पक जाए उसके बाद आपको मसाले ऐड कर देने हैं, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है अपने। और उसके बाद थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देना है, नमक भी आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर देना है। बस थोड़ा सा नमक ऐड कर देने के बाद इसे अच्छे से चला लेना है ताकि मसाले थोड़े से उसमें भून जाए। और उसके बाद आपको उसमें क्या ऐड करना है वो आपको बताती हूँ। उसमें आपको थोड़ा सा गुड़ ऐड करना है, थोड़ा सा खट्टा मीठा लगने के लिए आपको गुड़ ऐड कर देना है। जिसको गुड़ पसंद है वो गुड़ ऐड कर सकता है, जिसको चीनी पसंद है वो चीनी ऐड कर सकता है। और बस दोबारा से थोड़ी देर ढक्कन रख के पका लेना है, और आपकी ये करेले की सब्जी रेडी हो जाएंगी खाने के लिए, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से बना के ज़रूर देखना। मिलन और मैंगो सैनिटाइज करके रखे हैं। उसके बाद आज खाने में क्या क्या बनाया है वो दिखा देती हूँ आपको। ये देखो बच्चे कैसे करते हैं, ये ऐसे ही छोड़ दी मैंगे। और उसके बाद ये है करेले की सब्जी, और उसके बाद ये यहाँ पर दाल तड़का, ये रोटी का चूड़ा बनाया है जो रोटियाँ कल के रात के बची थी उसका। और उसके बाद ये है मेरी ज्वारी की रोटी, मतलब मिक्स रोटी। और उसके बाद ये है रोटियाँ, इसके बाद ये है चावल। ये आज खाने में बना है, और ये आ जाएंगे उसके बाद हम लोग खाना खा लेंगे। बैठी थी वहां पर जाके तो याद आया, आपकी कमेंट याद आई कि आपने मुझे डाइनिंग टेबल के बारे में पूछा था कि डाइनिंग टेबल कैसा है, डाइनिंग टेबल के बारे में बताओ। तो मैं आपको, मैं कैमरा से दिखाती हूँ कि डाइनिंग टेबल कैसा है। डाइनिंग टेबल है ये, आप सोच रहे होंगे कि ये मार्बल है, नहीं ये मार्बल नहीं है, ग्लास है, और इसके ऊपर डिजाइन ही ऐसी है। उसके बाद ये चेयर आप देख सकते हो, ये चेयर कुछ इस तरह से है, स्टील की चेयर है, उसके अंदर ये इस तरह से ये ब्लैक लेदर में फोम है। उसके बाद ये पूरा स्टील का कवर है, मतलब पूरा स्टील का ही है ये डाइनिंग टेबल मेरा, फोर सीटर डाइनिंग टेबल है।
उसके बाद ये उस पर ग्लास है वाइट कलर का और मार्बल जैसे फिनिशिंग है उसकी। तो इस तरह से मेरा डाइनिंग टेबल दिखता है। बहुत बार कमेंट की थी इसके लिए और मैं भूल जा रही थी, तो फाइनली मैंने सोचा चलो आज बता देती हूँ आपको। और ये चटनी की बर्नी खत्म हुई है तो ये यहाँ पर रख देती हूँ, इसको धो के रख दूंगी। और किसी ने कमेंट किया था ये ग्लास जार के बारे में बताओ करके, तो मैं इसके बारे में भी बता देती हूँ आपको। ये जो है ना ये मैंने मीशो से लिए थे, अभी तक भरे नहीं है ये। इसमें मैंने जीरा पाउडर भर के रखा है, इसमें मैंने चाय मसाला भर के रखा है। और ये जो ग्लास जार है ये मैंने अमेजोन से परचेस किए थे काफ़ी दिन पहले और ये अभी परचेस किए थे मीशो से। तो ये सेम नहीं लग रहा है मुझे, ये छः अलग है, ये छः अलग है, तो मैंने ना इसके लिए दूसरे ऑर्डर कर रखे हैं। तो वो आ गया है, बट इनका सामान आ जाएगा तब मैं किचन मेकओवर करने वाली हूँ। तो किचन मेकओवर जल्दी ही आएगा आपके लिए, उसका वेट करना। जब मैं किचन मेकओवर करूंगी ना तो उसके बाद यहाँ पर वो बर्निया सारी रख दूंगी और उसमें क्या क्या भरूंगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस उसका वेट करना सिर्फ। वो तो आ गई है बर्निया, 400 आ गया है, बट थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा सबर का फल मीठा होता है बोलते हैं ना, तो थोड़ा सा वेट करिए बस उसके लिए। तो बस थोड़ा सा वेट करने के बाद आपको जल्दी से किचन मेकओवर देखने के लिए मिलेगा। साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें किचन के लिए और घर के लिए ऑर्डर की थी, तो वो हॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। मीशो हॉल है किचन एंड होम आइटम का, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी लगे तो आपको। देखो अद्विक की घड़ी आई है इसमें। कितनी खुशी हो रही है। हमें तो पता ही नहीं था। हमें तो अरे वाह, मुझे पता ही नहीं था। आज ही स्लाइम भी आया और आज ही घड़ी भी आई है ना। अच्छा कल आने वाला था वैसे इसको रोटी। हाँ हाँ मुझे बना दो, मुझे बना दो। स्पाइडरमैन माही निकालो बेटा उसको जल्दी है पहनने की। अरे प्लीज प्लीज मत करो। अरे राइट हैंड में नहीं, लेफ्ट हैंड में पहनते बेटा। नहीं ना, ठीक है उसको जिस हाथ में पहनना है उसको। ऐसे दिखा, ऐसे करो। अरे ऐसे रख दो। हाँ देखो अभी दिखाओ, दिखाओ अभी दिखाओ, अच्छी लगी क्या आपको? अच्छी तो रिटर्न कर देंगे, नहीं तो दिखाओ। अरे वाह, लाइट रख दिखाओ, अभी दिखाओ एक मिनट। स्पाइडरमैन की, रुको लाइट रख दी इसमें। लाइट का ऑप्शन अच्छी है ना अद्वि? हाँ, पर इसमें लाइट नहीं लगता। लाइट नहीं लग रहा है? ये लग गया। वाओ लग गया, खुश, हैप्पी। बंद कैसे करूंगी? ये देखो ये दो है ना, दोनों को एक साथ दबाना पड़ता है। अरे मैं तो एक साथ दबा के ऑन किया था। अरे यार अधिक तुझे वॉच की छाना है, कितनी बज ले? अधिक को नहीं समझता। और यहाँ पर जो टेबल है ना वो टेबल अभी बनवा रहा है दूसरा वाला। ये टेबल जाएगा बेडरूम में और ये वाला जो टेबल है ना यहाँ का बनवा रहा है अभी। तो ये देखो भैया बना रहे है, ये बदला ना। वाह वाह लवकर बनाता था तुम्हें। आज ही स्टार्ट किया ये और बन भी गया, सिर्फ इसे मायका लगाना बाकी है। आज तो बन जाएगा पूरा, जब बन जाएगा तब आपको फाइनल लुक देखने के लिए मिलेगा इसका। तो चलिए, वेलकम बेटा, चले गए। अरे अरे कितनी सुंदर है वॉच, आप खुश हो ना? हाँ,
अच्छा है। इसमें लाइट की जगह ऐसे ही लगा दिया लगे। हाँ देखा है पहले। हाँ हाँ अच्छा है अच्छा है। ये 2 सेकंड के लिए बेहोश हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। बेहोश हो जाती है। तो चले गए इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। बच्चे छोटी छोटी चीजों में कितने ज्यादा खुश हो जाते हैं ना, यही हाल है अद्विक का, अभी बहुत ज्यादा खुश है वो। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। मैं डेली बोलती हूँ आपको, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, बट आप करते ही नहीं हो, आप मेरी बात मानते ही नहीं हो। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और इसके अलावा मेरे 2 और चैनल हैं, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। इंस्टा पे ज़रूर चेक कर लेना, इंस्टा पे आपको पसंद आने वाला है और आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।